ओके स्टैंडर्ड 9 आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द और द सेल. ओके तो कोई भी प्लांट या तो कोई भी एनिमल या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल. क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम बोलते हैं सेल. तो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ तो किससे बना हुआ होता है तो सेल से. तो गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेल फर्निश इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरी. द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्युला. सेल कहाँ से आया लैटिन वर्ड सेल्युला पे से आया जिसका मीनिंग क्या होता है रूम. जिसका मीनिंग क्या होता है रूम. An English scientist, Robert Hooke, while examining the thin slice of cork under his preliminary invented microscope, observed honeycomb-like structure. और इसको इसने इसको नाम दिया सेल. तो सबसे पहले एग्जामिन किया थिन स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने और ऑफ कॉर्क अंडर हिज प्रिलिमिनरी इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड किया. माई ऑब्जर्व हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. क्या स्ट्रक्चर कैसा हनीकॉम जैसा जो स्ट्रक्चर था वो. दिस He described and named as a cell. उसको नाम क्या दिया cell. This seemingly very minor and unimportant incident was really of great importance in the history of biology. Till today, the word cell is used in micro and biology. तो अभी जो cell जो है वो किस में use होता है biology में use होता है. तो first सेल वर्ड कहाँ से आया सेल्युला जिसका मीनिंग क्या होता है रूम. इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जिसका ऑब्जर्वेशन किया माइक्रोस्कोप से और हनीकॉम जैसा उसको स्ट्रक्चर जो दिखा उसने उसको नाम दिया सेल. और सीमिंगली वेरी माइनर एंड अनइम्पोर्टेंट इंसिडेंट वॉज रियली ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. ये जो बहुत इंपॉर्टेंस ये जो एक्सपेरिमेंट था वो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में. और इसीलिए टिल टूडे बायोलॉजी में जो वर्ड यूज होता है सेल. क्या नाम यूज होता है वर्ड सेल. ओके वो नाम यूज होता है. अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया. तो रॉबर्ट हुक दिस इंग्लिश साइंटिस्ट इन्वेंटेड ऑन माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व डेड सेल ऑफ द बार्क ऑफ ऑक ट्री अंडर इट ही नेम्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉक और सेल फॉर फर्स्ट टाइम. तो सबसे पहले थिन स्लाइस जिसका ऑब्जर्वेशन किसने किया है रॉबर्ट हुक किससे किया माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप भी उसने खुद ही बनाया था. और डेड सेल ऑक ट्री का जो डेड सेल था उनकी उन्होंने क्या किया उसकी जो बार्क थी उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसके अंदर उसको हनीकॉम्ब जैसा जो स्ट्रक्चर दिखा वो हनीकॉम्ब जैसा जो स्ट्रक्चर था उसको उसने नाम दिया सेल. तो सेल को फर्स्ट नाम किसने दिया तो रॉबर्ट हुक तो अभी रॉबर्ट ब्राउन. This scientist इसने क्या डिस्क्राइब किया जो टिपिकल जो बॉडी थी उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस. क्या नाम दिया न्यूक्लियस. तो प्लांट के अंदर साइटोप्लाज्मा के अंदर जो भी रहता है ना वो न्यूक्लियस. तो उसने बताया रॉबर्ट ब्राउन. ल्यू वैन हॉक तो उसने क्या बताया द साइंटिस्ट डिजाइन एंड प्रिपेयर माइक्रोस्कोप बाई हिमसेल्फ. इसने भी माइक्रोस्कोप अपने हिसाब से बनाया. फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टडीड अंडर द हिज माइक्रोस्कोप सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया. सबसे पहले ये साइंटिस्ट ने क्या किया बहुत सारे बैक्टीरिया को उसने अंदर ऑब्जर्वेशन रखा. ओके ही ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल्स तो सेल के अंदर न्यूक्लियस को उसने ऑब्जर्व किया यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ये सब कुछ उसने ऑब्जर्व किया. ल्यू वैन हॉक इज द नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी. तो ये जो साइंटिस्ट था उसने उसको क्या बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी. फिर पुरकिंज दिस साइंटिस्ट नेम्ड द लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द सेल. फिर फोटोप्लाज्म तो पुरकिंज तो फोटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म. फिर स्क्लेडन एंड सोन ये एग्जाम में आया था यूनिट टेस्ट में आपका क्वेश्चन. This scientist examined plant tissue and study animal tissue. They proposed cell theory. In their opinion, all the tissue are formed of the cell. And उसके बाद में क्या बताया cell is the fundamental unit of the all living organism. तो Sclerdon and Swan दो जो scientist थे उन्होंने क्या बताया कि जो cell है ना वो fundamental unit है किसी भी living organism का. फिर Camillo Golgi तो उसने क्या बताया this scientist was the first to observe एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द सेल ऑर्गेन नेम्ड गोल्गी बॉडी. और क्या नाम दिया उसने गोल्गी बॉडी. दिस साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट
to observe systematically describe the cell organ named after him. और उसने नाम दिया है गोल्गी बॉडी. फिर वॉटसन एंड क्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस साइंटिस्ट प्रेजेंट्स, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, आइडियल मॉडल ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिकोइड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. किसका मॉडल प्रिपेयर किया, डीएनए का, एंड एक्सप्लेनेशन देयर ऑफ. और उसके बाद उन्होंने उसी के बारे में क्या दिया, डीएनए का जो प्रोसेस था वो बताया और उनका स्ट्रक्चर और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया. तो अलग अलग साइंटिस्ट कौन कौन से, फर्स्ट रॉबर्ट हुक, माइक्रोस्कोप अपने आप इन्वेंट किया और ऑब्जर्व किया किसको, डेड सेल बार्क, ऑक ट्री का जो बार्क था उसमें डेड सेल को ऑब्जर्व किया और सबसे पहले नाम दिया सेल रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, ल्यूएन हॉक तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर, फिर पोर्किंस तो फोटोप्लाज्म के बारे में उन्होंने इन्वेंट किया, फिर स्लेडन एंड सोन तो उन्होंने बताया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है ऑर्गेनिज्म का. गोल्गी गाय तो कैमिलो गोल्गी. वॉटसन एंड क्रिक तो डीएनए का स्ट्रक्चर.